हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 10 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप किसी भी कम्पटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्ज़ाम से करेंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस कब मनाया गया? तो 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस साल 9 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यानी शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस साल यानी वर्ष 2020 में पहली बार शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इसके इतिहास की ओर चलें तो इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिसमें संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया था। इस दिन मनाए जाने का प्रस्ताव कतर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब यूनेस्को और यूनिसेफ का आह्वान किया गया था, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसके प्रमुख आड्रे अजोले हैं। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है और कार्यकारी निदेशक हेनरीटा एच फोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफार्म लॉन्च किया है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है, तो एमएप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर सत्यदेव नारायण आ रहे हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 10 सीट, राज्यसभा में 5 सीट और विधानसभा में 90 सीट है। सीमा से सटे राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। राजकीय पक्षी काला तीतर है और राजकीय पशु नीलगाय है। नेशनल पार्क कलेसर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपनी 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के ज़्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने के लिए सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। अब BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतनु कुमार दास हैं और टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग के पत्रिका समाचार समूह द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेबिनार का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय जल मिशन ने वेबिनार का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो हर घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना, दीर्घकालिक आधार पर जल आपूर्ति प्रणालियों की कार्य क्षमता पर ध्यान देना,
विकेंद्रीकृत संचालन और प्रबंधन व्यवस्था करना, स्थानीय समुदाय द्वारा पानी की गुणवत्ता की निगरानी करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सर डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वर्ष 2019 में प्रतिष्ठित पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सर डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अनिल धूपर को महासचिव चुना गया है और अनिल जैन को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल को 2024 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष चुना गया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना मार्च 1920 को हुई थी। मुख्यालय आरके खन्ना टेनिस स्टेडियम दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वीर सावरकर के नाम पर बनी फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक सरकार ने वीर सावरकर के नाम पर बनी फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कर्नाटक ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया था और कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया गया था। अब कर्नाटक ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाई ओवर का उद्घाटन किया है, तो एमएफ में कर्नाटक। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा और राज्यपाल वजूभाई वाला है। यहाँ का बड़ा शहर बेंगलुरु है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 28 सीट, राज्यसभा में 12 सीट, विधानसभा में 225 सीट और विधान परिषद में 75 सीट है। नेशनल पार्क अंसी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1987 को हुई थी, और बांदीपुर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1974 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LEAF और किस राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार और LEAF खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैं आपको आंध्र प्रदेश के बारे में 4 दिन से बता रहा हूँ। आंध्र प्रदेश सरकार रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाए और आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या कनुका योजना की शुरुआत की और स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा। और अब आंध्र प्रदेश LEAF के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। आंध्र प्रदेश सरकार आम, चूना, टमाटर, अंडे, केला, मिर्चा और झींगा के उत्पादन में शीर्ष पर है और मूंगफली, मक्का और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अच्छा, यह समझौता राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब आंध्र प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो AMF में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 25 सीट, राज्यसभा में 11 सीट और विधानसभा में 176 सीट है। सीमा से सटे राज्य तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक है। अच्छा, मैं इसके पहले आपको आंध्र प्रदेश की सीमा से सटा राज्य महाराष्ट्र बता रहा था। तो मैं जो मैप डाउनलोड किया था उसमें उस समय का वह मैप था जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक थे। अब तेलंगाना अलग हो गया है तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है। तेलंगाना की सीमा आंध्र प्रदेश की सीमा से लगती है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और बंगाल की खाड़ी भी आंध्र प्रदेश की सीमा से लगती है। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय भाषा तेलुगु है। राजकीय प्रतीक पूर्ण कुंभ है। राजकीय पशु चिंकारा है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय पेड़ नीम है। राजकीय खेल कबड्डी है। राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी और राजकीय फूल कुमुद का है। नेशनल पार्क श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, इसके स्थापना 1989 को हुई थी। राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसके स्थापना 2005 को हुई थी। और पापीकोंडा नेशनल पार्क, इसके स्थापना 2008 को हुई थी। प्रमुख नदियां गोदावरी और कृष्णा हैं। क्षेत्र के अनुसार भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां।
ऐतिहासिक रूप से इस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 77% चावल की खेती होती है। तो आपको आंध्र प्रदेश के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है? तो आरबीआई ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आरबीआई ने आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक का बैंकिंग दर्जा समाप्त कर दिया है। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास है। अच्छा, मैं जब भी आपको आरबीआई के बारे में बताता हूँ, तब आपको बताता हूँ कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो किस नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और आरबीआई के पहले नंबर के गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ए मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31 सीट, विधानसभा में 404 सीट और विधान परिषद में 100 सीट है। राजकीय वृक्ष अशोक का है। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है। राजकीय पशु 12 सिंगा है और राजकीय पुष्प पलाश का है। प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है। सीमा से सटे राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा सबसे बड़ा सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे छोटा सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और नेपाल देश की सीमा भी उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जानी बख्शी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जानी बख्शी का निधन हुआ है, वह फिल्म निर्माता थे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यही है जानी बख्शी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।